मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में बुलेट चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कदम उठाने जा रही है। जी हाँ, इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ के अधिकारियों से भी चर्चा कर ली है। आपको बता दें कि बुलेट चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत 80 से ज़्यादा बुलेट चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की थी। हालांकि ये जो कार्रवाई की गई थी, इसमें बताया गया था कि जो बुलेट चालक है उनके द्वारा बुलेट के साइलेंसर से एक धमाके जैसी आवाज़ की जाती है, जिसके कारण कई लोगों को परेशानी होती है। इसी परेशानी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने अब संज्ञान लिया है और इसमें सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की माने तो अब इन बुलेट चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जहां आरटीओ अधिकारियों से चर्चा की गई है, वहीं आरटीओ अधिकारियों को यह भी बताया गया है कि अगर ऐसे बुलेट चालकों पर कार्रवाई की जाती है तो उनके जो बुलेट के रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त किया जाए। साथ ही इस मामले में उन्होंने कंपनी से भी चर्चा करने की बात कही है कि जो बुलेट चालक जो उसमें मॉडिफिकेशन कराते हैं उस पर भी रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो बुलेट चालक हैं जो धमाके जैसी आवाज़ गाड़ियों से करते हैं, उन पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी जो उनके द्वारा जो घटनाएं की जाती है या कहे जो बुलेट की जो आवाज़ें निकाली जाती है उस पर रोक लग सके और आम जनता को इससे राहत मिल सके। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ अमित सालगढ़, एमपी न्यूज़, इंदौर। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।